नमस्कार जय जोहार क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप यहाँ दस से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने वाले और सी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस टू तो बी द द बेस्ट बेस्ट लर्न फ्रॉम कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार डाउनलोड नमस्कार 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 आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं तो जैसा आपको पता है कि हम यहां पर सात वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर आठवा वीडियो है एंड यहां पर हम स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं अगर आपने पहले के सात वीडियोस नहीं देखे तो जाकर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं सारे वीडियोस एंड चलिए अगला से सीधे हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं ओके तो जैसा आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन में थे और इसका आंसर था निम्नलिखित में से कौन से यूएस की प्रमुख विशेषता है तो ये था स्वतंत्र प्लेटफॉर्म इसका भी एक्सप्लेनेशन हमें देख लिया था अब अगले में जाते हैं ठीक है यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड खालिस्तान कहलाता है खालिस्तान कहलाता है इसमें है पहला इंटीग्रेटेड सर्किट दूसरा है प्रोसेसर उसके बाद थर्ड है मदरबोर्ड फोर्थ है माइक्रोचिप और फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सिस्टम बोर्ड होता है सिस्टम सिस्टम बोर्ड होता है कौन मदरबोर्ड ठीक है होता है यह यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सी और स्मृति जैसी महत्वपूर्ण कंपोनेंट याद रखना ये कंपोनेंट होते हैं ठीक है थीके? तो इसका आंसर है कंप्यूटर का मुफ्त सिस्टम बोर्ड मदर बोर्ड ओहो ये मदर बोर्ड है आंसर ठीक है अब अक्सर मैं बोलता हूँ कि हमारे टाइपराइटर कई बार ए बी सी डी का सही वो नहीं कर पाते बट कोई बात नहीं चले आगे देखते हैं कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से निम्न से कौन करता है बी आई ओ एस बायोस प्रोसेसर हार्ड डिस्क या सी डी चले इसका कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच बी आई ओ एस करता है ठीक है बायोस करता है बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ठीक है बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ठीक है तो इसका आंसर है बी आई ओ एस बायोस ठीक है देखते हैं अगला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को स्थान कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बताइए क्या होगा हार्ड डिस्क स्कैनर रैम रोम या सर्किट बोर्ड चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक अवयव वाला थिन प्लेट या बोर्ड सर्किट बोर्ड सर्किट सर्किट बोर्ड बीओ एआरडी बोर्ड कहलाता है क्या कहलाता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक अवयव क्या कहलाता है सर्किट बोर्ड कहलाता है यह कंप्यूटर का मूल मूलभूत हार्डवेयर है तो इसका आंसर है सर्किट बोर्ड ई इसका आंसर है वैसे तो ई नहीं दे रहा था हमारे एग्जाम पे बट यहां पर आंसर है चलिए मदरबोर्ड क्या है कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किए जाने वाला पहला चिप सर्किट बोर्ड जिसमें पेरीफेरल डिवाइसें डिवाइसें होती हैं वही जो सीपीयू चिप है फोर्थ है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं फिफ्थ है प्रिंटर का भाग चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं मदरबोर्ड जिसे मेन बोर्ड मेन बोर्ड सिस्टम बोर्ड अथवा लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो सभी आधुनिक कंप्यूटरों कंप्यूटरों में पाया जाता है ठीक है इसमें सी के अलावा अन्य चिप भी लगे होते हैं यह अन्य पेरिफेरल डिवाइसे के डिवाइसे के लिए कनेक्ट भी उपलब्ध कराता है ठीक है तो हमारा आंसर है मदरबोर्ड क्या है सर्किट बोर्ड जिसमें सी और अन्य चिप होते हैं चलिए अगला देखते हैं मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सी को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है इनपुट सिस्टम सिस्टम बस ए एल यू ए एल यू क्या है लॉजिकल यूनिट प्राइमरी मेमोरी इनमें से कोई नहीं मदरबोर्ड पर सीपीयू एवं मेमोरी आदि को दूसरे भाग पार्ट से जोड़ने के लिए सिस्टम बस होता है सिस्टम बस बीयूएस बस होता है मतलब बस द्वारा किया जाता है इसे फ्रंट साइड बस इंटरनल बस या मेमोरी बस भी कहते हैं तो देखिए इसका नाम सिस्टम बस का नाम क्या है साइड बस इंटरनल बस और मेमोरी बस भी नाम है इसका ठीक है तो इसका आंसर है सिस्टम बस ठीक है चलिए अगला देखते हैं मदर बोर्ड मदर बोर्ड को निम्न नामों से भी जाना जाता है मुख्य बोर्ड प्रणाली बोर्ड ए एंड बी दोनों और है इनमें से कोई नहीं एक्सप्लेनेशन मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड मेन बोर्ड लॉजिक बोर्ड आदि के नाम से जाना जाता है मदरबोर्ड का मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी घटकों में विद्युत आपूर्ति से जोड़ना होता है मतलब सभी घटकों को में विद्युत आपूर्ति करता है आपको याद होगा ठीक है विद्युत आपूर्ति ओके तो हमारा आंसर है ए एंड बी दोनों चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल नहीं है कीबोर्ड मॉनिटर माउस प्रिंटर मदरबोर्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में कीबोर्ड, माउस माउस मॉनिटर प्रिंटर पेरिफेरल उपकरण है क्या है पेरिफेरल ये सारे उपकरण हैं, जबकि मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य परिपथ बोर्ड मेन मेन सर्किट बोर्ड होता है ठीक है तो इसका आंसर है कंप्यूटर के संदर्भ में से कौन सा एक परिफरन नहीं है तो कीबोर्ड मॉनिटर माउस तो हमने देख लिया मदरबोर्ड नहीं है ठीक है चलिए आगे देखते हैं मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है इनपुट डिवाइस इनपुट यूनिट सॉरी इनपुट यूनिट सिस्टम बस ए एल यू प्राइमरी यूनिट सॉरी प्राइमरी मेमोरी ठीक है और इनमें से कोई नहीं चलिए देखते हैं मदरबोर्ड पर सी एवं मेमोरी आदि को दूसरे भाग पार्ट से जोड़ने के लिए का कार्य सिस्टम बस कौन करता है सिस्टम सिस्टम एक मिनट सिस्टम बस सिस्टम बस के द्वारा किया जाता है ठीक है इसे फ्रंट साइड बस इंटरनल बस या मेमोरी बस भी कहा जाता है तो इसका आंसर है बी सिस्टम बस ठीक है अगला देखते हैं बाहरी युक्तियां एक्सटर्नल डिवाइस को की की सहायता से किस में जोड़ा जाता है मदरबोर्ड पोर्ट प्रणाली बोर्ड या इनमें से कोई नहीं चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बाहरी युक्तियों एक्सटर्नल डिवाइसेस को कीबिल की, की सहायता से पोर्ट में जोड़ा जाता है किसमें जोड़ा जाता है पीओ आर टी पोर्ट पोर्ट ठीक है तो इसका आंसर है बी पोर्ट अगला देखते हैं नेटवर्क कार्ड नेटवर्क नेटवर्क कार्ड कार्ड ठीक है को निम्न नामों से जाना जाता है नेटवर्क नेटवर्क अडॉप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं एक्सप्लेनेशन दरअसल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे आमतौर पर एन नाम से जाना जाता है एक सॉफ्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है जो आपको कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क कौंसलर चीज़ क्या लिखा है नेटवर्क कौंसलर लोकल एरिया नेटवर्क एल ए एन इथरनेट अडोप्टर एथरनेट कार्ड जैसे नामों से जाना जाता है तो इसका आंसर है बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेटवर्क कार्ड नेटवर्क कार्ड निम्न में से किसका प्रकार है वीडियो कार्ड ऑडियो कार्ड मॉडम या विस्तार कार्ड एक्सप्लेनेशन निम्न कार्ड को नेटवर्क सॉरी नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड व नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहा जाता है नेटवर्क का विकास 1990 से 2000 के बीच बहुत तेजी से हुआ इसका प्रभाव सॉरी इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना है नेटवर्क कार्ड को मॉडेम का संशोधित रूप भी कहा जाता है तो हमारा आंसर है मॉडेम, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत संकेत इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडियो संकेत ऑडियो सिग्नल सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है देखते हैं ऑप्शंस वीडियो कार्ड ऑडियो कार्ड नेटवर्क कार्ड या इनमें से कोई नहीं विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो संकेत ऑडियो सिग्नल सॉरी ऑडियो हाँ, सिग्नल में बदलने के लिए ऑडियो कार्ड ठीक है किसका ऑडियो कार्ड 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 बोल रहे हैं, मैं, card, card, ठीक है? का उपयोग किया जाता है ठीक है बी ऑडियो कार्ड अगला देखते हैं वीडियो कार्ड ठीक है वीडियो कार्ड को निम्न नामों से भी जाना जाता है चित्रात्मक कार्ड ए एन बी दोनों अच्छा सी वो है ओके डिस्प्ले कार्ड इनमें से कोई नहीं चलिए देखते हैं वीडियो कार्ड को डिस्प्ले कार्ड ग्रामीण कार्ड डिस्प्ले एडोप्टर ग्रामीण कार्ड एडाप्टर भी कहा जाता है यह एक विस्तार कार्ड एक्सपेंशन कार्ड जिस कार्ड है जिसका प्रमुख कार्य डिस्प्ले डिवाइस पर आउट इमेज को फीड करना होता है तो इसका आंसर है वीडियो कार्ड को निम्न नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं डिस्प्ले कार्ड ठीक है चलिए आगे देखते हैं ए एल यू परिचालन संपन्न करता है लॉग्रिथम लॉगरिथम आधारित लॉगरिथम रिदम होगा एल्गोरिदम लॉगरिथम ठीक है ए एस सी आई आई ठीक है एल्गोरिथम आधारित लॉगरिथम रितम ओके इनमें से कोई नहीं और डी है अर्थमैटिक अच्छा ऊपर नीचे हो गया फिर से कंप्यूटर में ए एल यू जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट सीपी अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भाग होता है जो अर्थमैटिक और लॉजिकल परिचालन संपन्न करता है कौन क्या करता है ऑपरेशन संपन्न करता है ठीक है तो इसका आंसर है ए एल यू अर्थमैटिक आंसर है चलिए आगे देखते हैं स्थान वह बॉक्स वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सार्वजनिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस इनमें से कोई नहीं हार्डवेयर या सिस्टम यूनिट चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिस्टम यूनिट वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वधनिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं इसमें कंप्यूटर को प्रचालित ऑपरेट ऑपरेट संबंधी सभी महत्वपूर्ण हार्डवेयर तथा मदरबोर्ड सी पी यू आर ए एम ठीक है इत्यादि आते हैं तो इसका आंसर है सिस्टम यूनिट चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन खालिस्तान गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी यूनिट अर्थमैटिक एवं लॉजिक यूनिट आउटपुट यूनिट और इनमें से कोई नहीं चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट ठीक है मैं अक्सर बोला करता था एलयू का फुल फॉर्म क्या है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट ठीक है एक डिजिटल सर्किट होती है जो अंकगणितीय और लॉजिकल संक्रियाओं को क्रियान्वित इम्प्लीमेंटेशन करती है यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मूलभूत ब्लॉक होती है प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमैन जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945, 1945 में ए एल यू कोई संकल्पना कंसेप्ट प्रस्तुत की थी ठीक है तो हमारा आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अगला क्वेश्चन देखते हैं सिस्टम यूनिट इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ऑर्डिनेट करता है कंटेंडर कंटेंडर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है उसके बाद है डेटा कंट्रोल और मैनी पुलट करता है मैनिपुलेट या न मैनी प्यूलेट लिखा है मैनिपुलेट करता है उसके बाद है अर्थमैटिक ऑपरेशंस करता है चलिए देखते हैं इसका डिटेल सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग होता है भाग भाग हिस्सा है ठीक है महत्वपूर्ण हिस्सा है यह एक प्रकार का कंटेनर बॉक्स होता है क्या होता है बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक का रखे होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में माइक्रो माइक्रोप्रोसेसर मुख्य स्मृति आर ए एम इसी को बोला जाता है आर एम को क्या बोला मुख्य स्मृति बोल रहे हैं ठीक है बस पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं तो हमारा आंसर है सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं ठीक है सी पी यू और आई ओ के बीच सिग्नल मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है ये नियंत्रित करता है एलयू मेमोरी यूनिट इनमें से कोई नहीं कंट्रोल यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज चलिए देखते हैं इसका डिटेल सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल की गतिविधि मूवमेंट को नियंत्रित करने का कार्य कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट करता है कौन करता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है ठीक है तो यही हमारा आंसर है कंट्रोल यूनिट भैया आप हमारे आंसर हो चलिए आगे देखते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं ए एल यू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ए एल यू कंट्रोल यूनिट और रैम कैश ठीक है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर रैम रोम रोम और सी डी रोम ठीक है देखते हैं इसका आंसर एल यू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर एक प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं ये ए एल यू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये ये इसके भाग हैं तो ये ए आंसर है इसका ठीक है ए याद रखना ठीक ओके अगला देखते हैं सीपीयू के एल यू में खाली स्थान होते हैं आर एम स्पेस रजिस्टर बाइट स्पेस सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस इनमें से कोई नहीं पी यू के ए एल यू अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट में रजिस्टर रजिस्टर होते हैं जो निम्नवत हैं रजिस्टर टू रजिस्टर रजिस्टर स्टेक तथा रजिस्टर एवं मेमोरी तो इसका आंसर है रजिस्टर ठीक है ओके आगे देखते हैं कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंट्रोल यूनिट लॉजिकल यूनिट या हार्ड डिस्क देखते हैं इसका डिटेल कंप्यूटर में गणनाएं इसका मतलब होता है कैलकुलेशन। गणनाएं कैलकुलेशन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाला मुख्य अवयव ठीक है मेन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट है ए एल यू इसके द्वारा अंक तथा तार्किक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल याद रखना ये भी ठीक है मैथमेटिकल मैथिकल एंड कौन सा लॉजिकल लॉजिकल गणनाओं का संचालन किया जाता है ठीक है तो हमारा आंसर है कंप्यूटर की गणना करने के लिए कौन सा अवयव अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट उत्तरदायी होता है एक्सेस लॉजिक यूनिट अरे लॉजिक यूनिट एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ठीक है लॉजिक या लॉजिकल दोनों बोलते हैं ए एल यू का पूरा रूप अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होता है ठीक है अर्थमैटिक अर्थ मैटिक लॉजिक यूनिट होता है यह कंप्यूटर प्रणाली में अरिथमेटिकल गणनाओं के लिए से संबंधित होता है ठीक है तो इसका आंसर है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ठीक है तो यहां पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सबसे पहले तो ताकि ऐसे वीडियोस आपको बार बार मिलते रहें हमें और भी बहुत सारे सीरीज लाने वाले हैं क्योंकि आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा अपने व्यूज़ कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है ठीक है ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि आप सभी को पसंद आ रहा है सारी चीज़ें तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा देना चाहिए स्टूडेंट्स को ठीक है तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं साइनिंग ऑफ सौरभ देवांगन